दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी हमारे देश के लिए और हमारे लिए बहुत सारे सेक्रीफाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियन और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इनके काम को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं, और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। इंडियन आर्मी हमेशा आगे रहती है, चाहे वो टेररिस्ट अटैक हो या फिर हम किसी नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहे हो। हर पल हम अपने पास इंडियन आर्मी को पाते हैं या फिर डिफेंस के सभी लोगों को पाते हैं, और ये सभी हमारी हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक ऐसे ही जज्बे को इस कंप्लीट सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अवरोध वेब सीरीज के बारे में, जिसे रिलीज कर दी गई है सोनी लीव पर। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल अपडेट वन पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा बहुत इस वेब सीरीज के बारे में। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट स्टोरी एक सच्ची घटना को लेकर बनी है। आप सभी तो उरी टेररिस्ट अटैक के बारे में जानते ही होंगे, जहां पर अचानक से ही कुछ टेररिस्ट इंडियन आर्मी के कैंप में घुस जाते हैं और बहुत सारे हमारे जवानों को गोली मार देते हैं, और बहुत सारे जवान वहां पर शहीद भी हो जाते हैं। और इसी का जवाब इंडियन आर्मी ने बखूबी दिया था उन टेररिस्ट को, और उनके घर में घुस के मारा था। और इसी कंप्लीट चीज को इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन इतने कठिन सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भी बहुत सारे पॉलिटिशियन और बहुत सारे लोगों ने इंडियन आर्मी पर सवाल उठाया था कि असल में ये सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया भी था या नहीं किया था, या फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक एक फेक स्ट्राइक है। और इसी बात पर बहुत सारे विवाद भी खड़े हुए थे। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, उड़ी अटैक के ऊपर पहले भी एक मूवी आ चुकी है, लेकिन उस मूवी में कंप्लीट डिटेल चीज दिखाई नहीं गई थी, और इतनी डिटेल चीज दिखाना पॉसिबल भी नहीं था। ठीक उसी की इस बार वेब सीरीज रिलीज हुई है, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, वेब सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो वेब सीरीज के टोटल 9 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, और हर एक एपिसोड आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले हैं। आप एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहेंगे इस कंप्लीट वेब सीरीज की। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि वेब सीरीज की स्टार्टिंग बहुत धमाकेदार होती है, लेकिन बीच में जाकर थोड़ी स्लो हो जाती है, और फिर लास्ट में जाकर थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन इस वेब सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप जब इस वेब सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो आपको हर एक मोमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, और आप किसी भी एपिसोड के किसी भी मोमेंट को मिस नहीं करना चाहेंगे। वेब सीरीज अगर आप देखना चालू करेंगे तो आप कंप्लीट किए बिना नहीं उठ पाएंगे इस सीरीज को। लेकिन दोस्तों, इस वेब सीरीज को आप जब देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि इंडियन आर्मी हमारे लिए कितना कुछ करती है और हमारे लिए कितना सैक्रिफाई करती है। बिना जान की परवाह किए सिर्फ वो अपने देश के लिए खड़ी रहती है, और उनके लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद उनका परिवार। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये वेब सीरीज मुझे कैसी लगी। तो दोस्तों, ये वेब सीरीज मुझे ऑसम लगी। तो अब बात करते हैं इस वेब सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं इस वेब सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 4.5 स्टार, क्योंकि ये वेब सीरीज मुझे वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से लगी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसके कुछ एपिसोड देखेंगे और कुछ एपिसोड नहीं देखेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि हर एक एपिसोड में एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई है, और इस एक्सप्लेनेशन को आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, बहुतों के मन में ये सवाल है कि हम इस वेब सीरीज को देखें या ना देखें। तो दोस्तों, मेरा ओपिनियन है इस वेब सीरीज को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये वेब सीरीज आपकी भी वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से होगी। तो दोस्तों, मेरे लिए ये वेब सीरीज तो बेस्ट रही। इस वेब सीरीज को आप भी देखिए, हो सकता है कि आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आ जाए या फिर ना आए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।